1931 में आज ही के दिन प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मुख्य रणनीतिकार थे। 1925 में काकोरी कांड और 1928 में सहायक अधीक्षक सैंडर्स की हत्या के बाद चंद्रशेखर आजाद को खासी प्रसिद्धि मिली थी। 1933 में इसी दिन बर्लिन में स्थित जर्मनी के संसद भवन को आग लगा दी गई थी। आग को लगाने की जिम्मेदारी एक डच कम्युनिस्ट युवक ने ली थी। नाजियों ने इस आग की घटना का इस्तेमाल कम्युनिस्टों राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने के लिए किया। 1956 में आज के दिन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर का अहमदाबाद में निधन हो गया था। मावलंकर को दादा साहब के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र भारत में पहली बार आम चुनाव के बाद मई 1952 में मावलंकर पहले अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। 1951 में इस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराकी सेना से कुवैत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। साल 2010 में आज ही के दिन पद्म विभूषण से सम्मानित समाजसेवी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य चंद्रिका दास अमृतराव देशमुख का मध्य प्रदेश के सतना में निधन हो गया था। नानाजी देशमुख के नाम से भी उन्हें जाना जाता है।